अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आप ज़ीशान रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी, और ये स्कूटर जो है इलेक्ट्रिक वो आपको कितने में मिलेगा, इसमें क्या खसूसियात हैं आज हम बात करेंगे। ये है न्यू एशिया रमज़ा G7 जो कि मार्केट में जो है वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें माइलेज बहुत ज़्यादा है। एक चार्ज में 85 किलोमीटर जो है ये आपको देता है सिर्फ एक चार्ज में, और स्पीड भी बहुत अच्छी है। हमारे साथ शाहज़ेब मौजूद हैं जो कि इसके बाख्तियार डीलर हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर इस वक्त हम जेब ट्रेडर्स पर मौजूद हैं, और ये कितने में मिलेगा बाइक, इसमें क्या खसूसियात हैं, इस हवाले से बात करते हैं। शाहज़ेब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं भजन। मुझे ये बताएं कि ये देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे LED लाइट्स लगी गई हैं, मीटर इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसकी डिस्क ब्रेक्स हैं। मज़ीद शाहज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, आप मुझे बताएं कि हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं वो जानना चाह रहे हैं कि ये कितने में मिलेगी और इसकी वारंटी है या नहीं है, ये सारी तफसीलात से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। एक तो इसकी वारंटी 18 माह की है, 2,35,000 रुपये में सिर्फ अवेलेबल है। ठीक है, ये 2.5 यूनिट में फुल चार्ज होगी, बिजली के सिर्फ 2.5 यूनिट कंज्यूम होंगे, पूरी चार्जिंग होगी इसकी, और ये 85 से 100 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करेगी। इसकी जो रेंज है वो 85 किलोमीटर की मिनिमम है। इसकी बैटरी जो मोटर होती है उसकी वारंटी है 18 माह की। ठीक है, और ये आपको जेब ट्रेडर पे अवेलेबल है, डिफरेंट कलर्स इसके अवेलेबल हैं। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, ऑनलाइन खरीदना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है, डिलीवर होगी, जहाँ से भी परचेज करेंगे वहाँ हम डिलीवरी देंगे। जहाँ से परचेज कर सकते हैं आप, घर बैठे अभी ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं वो हमने आपके लिए छोड़े, आप रब्ता कर सकते हैं इनके साथ, और आप ऑनलाइन किसी शहर, किसी गाँव, किसी जगह से भी आपका ताल्लुक है वो आप ले सकते हैं। और इसकी जो वारंटी है वो 1 साल का क्लेम जो है कंपनी दे रही है, और ये न्यू एशिया की कंपनी की स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, और इसमें बहुत सारी खसूसियात हैं, और मज़ीद आपको चल के आगे दिखाते हैं कि इसमें वो क्या खसूसियात हैं जिनको देख कर ये बाइक खरीदना बहुत ज़रूरी है। और खासतौर पर वो बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेज के लिए नर्सरी जाती हैं, तो उनके लिए ये बाइक जो है वो खरीदना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ मैं यहाँ पर बात करूँगा कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं कि भाई स्कूटी हम ख़रीद लेते हैं, कल को जब ये ख़राब हो जाएगी, जाहिर सी बात है मोटरसाइकिल है, बाइक है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चीज़ ख़राब हो सकती है, तो पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे? पार्ट्स भी इसके मिलते हैं, अवेलेबल हैं, हर चीज़ इसकी अवेलेबल है, क्योंकि ये न्यू एशिया की बाइक है, कंपनी की एक बाइक है। और ये बाइक आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, ये स्कूटी और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो न्यू एशिया वालों का है, रमज़ा G7। और यहाँ पे इसमें आपको क्या मिलता है कि इसकी डिग्गी भी है, वो भी आपको खोल के जो है वो चेक करवाते हैं। इसकी डिग्गी जो है उसमें स्पेस है काफ़ी। ये इसका जो चार्जर है, अच्छा ये इसका बैक जो मिरर है वो भी इसके साथ आपको अवेलेबल मिलते हैं। बैक मिरर बहुत ज़रूरी है हादसा से बचाव के लिए, जो है ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बैक मिरर के साथ यहाँ पे जो असल चीज़ है, असल मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दा होता है जी इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो फिर इलेक्ट्रिक का चार्ज कैसे होगा। ये इसका चार्जर है, इसके ज़रिए ये चार्ज होगा, और ये आप आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं जहाँ पे आप सफ़र करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, दूर है, करीब है, कहीं शहर से बाहर जाते हैं तो आप जा सकते हैं। इसका चार्जर इसके साथ अवेलेबल है, इसको चार्ज करें। और अपना इस महंगाई के दौर में, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं अभी कुछ कम हुई हैं, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती हैं, तो लेकिन यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो आपको हर तरह से फैसिलिटेट करता है। इलेक्ट्रिक बाइक जो है, ये स्कूटर जो है, इसका इस्तेमाल करें और कम खर्च में जो है वो अपना सफ़र करें। अच्छा नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको इसका चार्जर भी दिखा दिया और इसके साथ आपको ये नहीं बताया कि ये जो स्कूटर है, यानी स्कूटी जो है इलेक्ट्रिक, ये चार्ज कैसे होती है और कितने घंटों में चार्ज होगी। तो ये 4 से 5 घंटों में, अगर हम एक मोबाइल फ़ोन लगाते हैं चार्जिंग पे, तो कम अज़ कम जो है वो 2 घंटों में मुकम्मल चार्ज होता है। ये अगर फास्ट चार्जिंग है, सुपर फास्ट चार्जिंग है, तब भी 1.5 घंटे से पहले नहीं चार्ज होने वाला। तो जाहिर सी बात है बाइक है, तो ये तो कम अज़ कम 4 से 5 घंटे लगेंगे इसको चार्ज होने में। आप एक बार चार्ज करें, रात को चार्जिंग पे लगाएं, सारा दिन आप शहर में अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे वो बच्चियां और वो बच्चे जो स्कूल्स और कॉलेज जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। शहर के इस्तेमाल के लिए बहुत कम कीमत में आपको ये चीज़ मिल रही है, 2,35,000 रुपये में
और इसकी अगर हम बात करें तो इसके साथ इसकी कॉपी, रजिस्ट्रेशन कार्ड, सारा कुछ यहाँ पे ये अवेलेबल है, सब कुछ आपको मिलेगा। देर किस बात की, और आप यहाँ पर जो दिए गए नंबर्स हैं इन पर आप रابطہ करें, मज़ीद मालूमात भी आप ले सकते हैं। और एक साल की वारंटी के साथ ये आपको न्यू एशिया का बाइक 2,35,000 रुपये में मिलता है। तो नाज़रीन आखिर में जो है वो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।